हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है HTML के एक न्यू पार्ट के साथ। मैं आपके साथ हूँ गाइस। आपको मैं आज कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ जो कि नॉर्मली आपको कोडिंग सब जगह मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, यदि आपको 3 टेबल्स बनानी है पैरेलल में, मीन टेबल 1, टेबल 2 एंड 3, मीन लेफ्ट राइट एंड मिडिल में, तो हाउ टू क्रिएट। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग हेयर बॉडी बीजी कलर, मैं बैकग्राउंड में कलर लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा अपीयरेंस अच्छा हो सके। ओके, सेव किया, रिफ्रेश, ब्लू कलर आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेबल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप टेबल टाइप करना है अपने यहाँ पे, टेबल की द बॉर्डर, टेबल बॉर्डर, सपोज आई एम गिविंग द बॉर्डर हियर 6, और टेबल बॉर्डर हमने 6 दे दिया। आफ्टर दैट अलाइन, अब यहाँ पे टाइप करना होगा टेबल अलाइन, और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द राइट अलाइन, हमने राइट अलाइन दिया है। आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद TD, TD मीन टेबल डेटा, और फिर आप जो इमेज देना चाह रहे हैं उसका इमेज का एड्रेस देंगे। तो इमेज का जो टैग है IMGSRC, और यहाँ एड्रेस दे देंगे। यहाँ हम विड्थ देते हैं, सपोज विड्थ है गिवन 150, एंड हाइट आल्सो, हाइट भी फिल करेंगे, हमने 150 दे दिए। और अब यहाँ पर हम TD को क्लोज करने जा रहे हैं, ये हमने दे दिया है राइट अलाइन। ओके गाइस, ठीक। अब यहाँ पर आपको इस टेबल को भी क्लोज करना होगा, ये टेबल भी यहाँ क्लोज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वाला, इसको हम नेक्स्ट में ले जाते हैं। नेक्स्ट इज योर टेबल बॉर्डर, सेम टेबल बॉर्डर 6, टेबल अलाइन LIGN, एंड हियर इज द गिव, सपोज लेफ्ट, हमने स्टार्टिंग में राइट दिया था, यहाँ हम लेफ्ट दे देते हैं। अगेन स्टार्ट TD, अगेन गिव IMGSRC, एंड योर इमेज विड्थ, विड्थ देना है आप जिस साइज की आपको इमेज की नीड है, हाइट 150 आल्सो। नाउ क्लोज TD, हम यहाँ TD को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट क्लोज योर टेबल। नाउ थर्ड इज टेबल बॉर्डर इज 6, एंड टेबल अलाइन इज नाउ सेंटर, हमने सेंटर में देना है। नाउ अगेन स्टार्ट योर TD, अगेन गिव IMGSRC, और डबल कोटेशन मार्क में इमेज का एड्रेस आएगा। नाउ गिव द विड्थ, हियर इज आल्सो 150, एंड हाइट आल्सो 150। नाउ क्लोज TD, यहाँ TD टैग क्लोज हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में टेबल भी क्लोज हो जाएगा। ओके, अब सेव, देन हियर इज रिफ्रेश। ओके, दिस ब्लैंक, नाउ आई एम गिविंग द फिलिंग द इमेज एड्रेस, यहाँ इमेज का एड्रेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से सपोज कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग सम एड्रेस, किसी भी एक इमेज का एड्रेस लिया। ओके, नाउ कम टू नोट पैड में आते हैं, और यहाँ बीच में हम फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ सेम ही लगा दे रहा हूँ, एक ही इमेज का एड्रेस सब देंगे, पेस्ट कर दिया हमने, और सेव करते हैं, और यहाँ करके आप रिफ्रेश करते हैं। तो आप मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ गाइज मैं आपको। देखिए, अब ये यहाँ के आपका लेफ्ट हो गया है, सेंटर हो गया है, और राइट हो गया है। तो इसी को हम और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम HR का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट आई एम गिविंग हेयर इन स्टार्टिंग HR टैग, HR हॉरिजॉन्टल रोज, और लास्ट में भी हम एक HR लगा देते हैं। ओके, इन द एंड दिस इज HR। नाउ सेव, से हमने सेव किया, मिनिमाइज, रिफ्रेश हियर, तो दोनों साइड लाइन आ गई। नाउ यू कैन चेंज द विड्थ और हाइट आल्सो ऑफ योर HR। सपोज दिस इज हाइट, नाउ आई एम गिविंग द विड्थ, विड्थ सपोज 10, एंड कलर, लाइन कलर आल्सो आई एम फिलिंग हियर रेड। ओके, सेम थिंग सप्लाई इन द लास्ट वन HR। दिस इज साइज इज 10, एंड कलर इज रेड। ओके, सेव, देन रिफ्रेश। ओके, वेयर इज फर्स्ट लाइन, HR विड्थ 10, कलर इज रेड। ओके, हियर इज द विड्थ, ना सॉरी, दिस इज विड्थ, यू टाइप हियर साइज। ओके, आई विल टेल यू अबाउट द विड्थ, विड्थ के बारे में अभी बताता हूँ आपको। ओके, नाउ विड, सपोज दैट लास्ट लाइन, आई एम एडिंग वन मोर लाइन। ओके, इसी लाइन को मैं कॉपी करके विड्थ के बारे में बता देता हूँ आपको। ओके, पेस्ट हियर। ओके, सेम थिंग्स, सेम लाइन आ गई है। नाउ यू श्रिंक, अभी श्रिंक करना है इसको, लाइंस को। सपोज दैट आई एम टाइपिंग हेयर विड्थ ऑफ लाइन, सपोज आई वॉन्ट हेयर
50%, ओके एक्चुअल साइज से मुझे 50% की नीड है, तो सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश करते हैं। देखिए आप गाइस, ये आपकी 50% में आ गई है। इसमें कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे कि सेपरेट दिखे। ओके नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ग्रीन, सेव देन रिफ्रेश। ओके गाइस, तो ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।